आज देश भर में महाशिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज शिवालय मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उसी कड़ी में आज नाहरगढ़ नगर के दुधेश्वर महादेव मंदिर नई आबादी नाहरगढ़ पर महाप्रसादी के रूप में खिचड़ी का आयोजन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन उस प्रसादी ग्रहण करने पधारे। लगभग 151 किलो की खिचड़ी का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में भजन कीर्तन भी महिला द्वारा किया गया। दुधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दर्शन करने भक्तों का तांता लग गया। यह आयोजन पत्रकार संघ नाहरगढ़ द्वारा एवं ग्रामवासी के सहयोग से किया गया है। आज नाहरगढ़ में नाहरगढ़ कृष्णा रोड पर स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर, जो एक बहुत प्राचीन यहाँ का भोलेनाथ का स्थल है, यहाँ पर नाहरगढ़ के समाज सेवी और नाहरगढ़ के दानदाताओं द्वारा इस वर्ष यहाँ पर एक प्रसादी का जो खिचड़ी का आयोजन रखा गया है, वो लगभग 151 किलो की यहाँ पर खिचड़ी भक्तों को यहाँ पर प्रसादी का आयोजन तो पिछले करीब करीब 5-7 साल से चल रहा है, लेकिन इस बार राजेंद्र जी सोनी और सुनील माली के प्रयास से इस वर्ष यह कार्यक्रम बड़े ही पैमाने पर यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि लगभग 151 किलो की यहाँ पर प्रसादी भक्तों में वितरित की जा रही है। ये है दुधेश्वर महादेव, जो नाहरगढ़ ग्राम पंचायत नई आबादी में स्थित है। ये कई वर्षों से यहाँ ये परंपरा है, जो महादेव जी की यहाँ स्थापना है, कम से कम 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं, जो बुजुर्ग बताते जाते हैं। आज 50 साल की उम्र मेरी भी हो गई, जो हम यहाँ लगातार आते हैं। और ये जो महादेव जी का स्थान है, जो दुधेश्वर महादेव के नाम से जाता है, यहाँ हर बार महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और इस बार विशेष आयोजन रखा गया है, जन सहयोग से, ये पत्रकार संघ और ग्रामवासियों के सहयोग से रखा गया है। इसका आयोजन करता है पत्रकार संघ नाहरगढ़, जिसमें विशेष सहयोग राजू भाई सोनी का और गुरुदेव यहाँ का रहा है। मंदसौर से ललित शंकर धाकर की रिपोर्ट।